हुआ होते हैं तो वो लोग लात मारते हैं तो सही हो जाता है। लाडो उल्टा पैदा हुई है तो वो लात मार देगी तो सही हो जाएगा। हाँ, पीछे लात मार देगी लाडो सही हो जाएगा। लाडो उल्टी पैदा हुई है। हाँ, तो कह रही थी मामी सवेरे की गोलू को यहाँ भेज दीजिए तो यहाँ लात मार देंगे तो सही हो जाएगी। जो राधे सभी लोगों को स्वागत है, आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में गए, बहुत बहुत स्वागत है। अभी चल रहे खाना बनाने, पीछे गोभी दिख रही होगी वो अभी आई है, और कल की भी गोभी रखी है। तो दाल बना रही हूँ, दाल चढ़ा रखी हूँ। आज संडे है, हैप्पी संडे सभी लोगों को। तो दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और सब्जी रोटी बनाऊंगी। मेरा बर्थडे, जैसे सब लोग पूछ रही है कि आज बर्थडे है तो कुछ अच्छा बनाइए, तो मेरा आज बर्थडे नहीं है, कल था, कुछ बना होना नहीं था। बर्थडे वगैरह नहीं सेलिब्रेट करते हैं, कभी भी नहीं करे हैं। ये तो बच्चे हैं तो नैन्सी हैं, थोड़ा बच्चे क्या, सिर्फ नैन्सी ने किया था, जो भी थोड़ा बहुत किया था। तो अभी चल रहे हैं, आज प्रॉपर गोभी की ही सूखी सब्जी बनाएंगे। इसमें एक आधा आलू ऐड करेंगे, आधा आधा, जैसे एक या दो छोटे छोटे आलू वही ऐड करेंगे। ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल वाले, बहुत ज़्यादा मसाले वाले नहीं, नॉर्मल वाले। और संडे के दिन तो सोचो कि आराम से कोई काम करो, खाना वगैरह कुछ आराम से बनाओ, तो और भी जल्दी मच जाती है कि जल्दी करो, खाना जल्दी बना दो, भूख लगी है, अभी तक कुछ बना नहीं है, दुनिया भर की नौकरी हो जाती है। और सर में पेन हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन झेल रहे हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, पूरा वीडियो देखिएगा गाइस। अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, वीडियो लाइक किया करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। बहुत लोग वीडियो देख रहे थे लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना कम्पल सही है, और शेयर भी किया करिए, कमेंट किया करिए। स्विमिंग पूल बने गई, राधे राधे। कल वाला वीडियो आज ही कंटिन्यू कर रही हूँ, कल थोड़ा वीडियो बनाया था और
उसके बाद नहीं बनाया था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो दोपहर या सुबह में ही थोड़ा बहुत शेयर किया था, उसके बाद नहीं किया था। शाम तक सोचा था कि कंप्लीट कर लूँगी पर नहीं कर पाई थी। तो अभी 11:30 बज रहे हैं सुबह के, ऑनलाइन से स्कूल गई हैं और यहाँ धूप जल रही है, बहुत देर से जल रही है, तो अभी जा रही हूँ नीचे, दूध नहीं है तो दूध लेके आऊँगी। और कुछ थोड़ी बहुत आलू वगैरह है, प्याज है, टमाटर है, तो कुछ मिलाने के लिए लेके आऊँगी साथ में। नैन्सी स्कूल गई है तो आज चाय भी बनाना पड़ेगा। एक बार बनाया था नैन्सी को, टिफ़िन वगैरह दिया बना के, एक जने सो रहे हैं, कब से उठा रहे हैं कि जाओ दूध ले आ दो, वो उठ ही नहीं रहे, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मनोज तिवारी को फ़ोन करूँगी तो वो भड़क जाएंगे कि मैं ड्यूटी करूँ कि तुम लोग को सामान पहुँचाऊँ, सीधा यही बोलते हैं। सैंडी लाज बाहर ही पड़ी हुई है, जूता वूता पहन के गए, तो चल रही हूँ दूध लाऊँगी, हो सकेगा तो। बहुत सर में पेन हो रहा है, चल रही हूँ तो सर ऐसे टन न टन हो रहा है, एक तो नीचे काम हो रहा है तो इसकी वजह से भी कुछ वीडियो नहीं बना पाती। इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि मन ही नहीं करता। कुछ हरी सब्जी लेके आऊँगी, यहाँ पे ऐसे अजीब सा हो रहा है, टन न टन की आवाज आ रही है। नहीं कर चाय नहीं खाओगे तो रख देना पन्नी में, नैन्सी आएंगे तो, नैन्सी आएंगे तो खा लेंगे। दाल हो चुकी है यहाँ पे मेरी, अरहर की दाल, ज़्यादातर अरहर दाल ही बनती है इस टाइम। तो हरी सब्जियाँ आ रही तो पालक वगैरह की दाल बनाओ अच्छी लगती है, पर मेरे घर में क्या है कि कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं। ये है प्याजा, हरा प्याज और आलू छोटे वाले कट किया है, तो उधर छौंकने जा रही हूँ। सूखी सब्जी इसकी बनाऊँगी, इसकी तो सूखी ही बनती है, भुजिया टाइप, यही सब हो रहा है अभी। हरी प्याज है तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी सॉरी टमाटर ऐड करूँगी, भूल गई थी, छोक दिया। अभी थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी, अभी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा भूनने के बाद। हूँ वैसे तो पानी होनी तो ले लेना चाहिए ना, नैन्सी स्कूल गई है तो। हजारों का सबका कहना है, एक हजारों में ये करना पड़ेगा। ए, इसको दबा के रख दो, नहीं गिरेगा, मनोज तिवारी खोपड़ी पड़ जाएगी, तो जहाँ फिसल के आया ना तो ना, चलो निकाल दो, अभी नहीं निकाल पाऊंगा। तो गाइस अभी 3 बजने वाले हैं, खाना पीना हो चुका है, बर्तन अभी धोना है, पूरा वॉश बेसिन भरा हुआ, थोड़ा सा बैठ गई, भाग भाग के परेशान हो गई थी सुबह से, तो मैंने सोचा थोड़ा 5 मिनट रेस्ट ले लूँ, सोचा 5 मिनट रेस्ट ले लूँ उसके बाद फिर बर्तन धोऊँ, उसके बाद आगे का काम कंटिन्यू करूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। जब भी रात के बज गए 8:30 और अब बनेगा रात का खाना। रात के खाने में बनेगा आज आलू का पराठा और हो सकता है चटनी बनाऊँ, चटनी लोग खाते नहीं हैं, तो क्या बनाऊंगी, आलू का पराठा बनाऊंगी, दही से खाएंगे। ओ फोन आ गया, तो ये लोग दही से खाएंगे। तो अभी चल रही हूँ आलू बॉयल के रखूँगी, आलू उबालूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वैसे तो बनाते ही हैं सब लोग, पर मैं थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। सो गाइस ये मैं सवेरे मेथी लाई थी सुबह सुबह में, सोया और मेथी, तो ये गट्ठी लगी रहती है, इससे गठियाए रहते हैं, ये पता नहीं शरबत वगैरह होता है। तो अभी तो इसको बनाऊंगी नहीं, पराठे बना रही हूँ आलू उबाल के, तो मैंने कहा इसको तोड़ के और थोड़ा इसको सुखा दूँ पानी जैसे है, तो ख़राब ना हो, और गट्ठी लगी रहती है तो सुबह तक में पूरी ख़राब हो जाती है, तो इसे झंडे में रख दिया है और थोड़ा हवा लगा दूँगी, उसके बाद इसको कपड़े से ढक दूँगी, तो सुबह तक में ये ख़राब नहीं होगा। और टमाटर थोड़ा सस्ता मिल रहा था,
उस दिन मैं 1 किलो लाई थी 60 रुपए का, आज लाई हूँ 40 रुपए का। तो ये धुला हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ था ये वाला, इसको अभी धो के और फिर रखूँगी, इसी डलिया में रख दूँगी, सूख जाएगा, सुबह फ्रिज में रख दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा टमाटर सस्ता हो गया, आलू उबाल लिए, अब चल रहे हैं पराठा बनाएंगे। फिर सारी अदरक भी लाई थी, अदरक भी थोड़ी सस्ती हो गई है। अदरक तो चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, अदरक विदाउट अदरक तो चाय मैं कभी भी नहीं पीती, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, चाहे जितनी महंगी हो, चाहे 10 ही रुपये 15 रुपये किलो, पर अदरक होनी चाहिए चाय के साथ, तभी अच्छा लगता है, चाय पीने में अच्छा लगता है। तो अभी 9 बज रहे हैं, चाय भी चल रहे बनाएंगे अभी। ये 10 बजने वाला है, इधर मेरी नानी बैठी है, आलू के पराठे का इंतजार कर रही है, पायदान वायदान सब लेके बैठी हुई हैं, और इधर मेरी चाय बन रही है। अभी 9:30 बज रहे हैं, आई थिंक ये घड़ी थोड़ा सा आगे है, मैं बार बार बता रही हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आगे है। मनोज तिवारी को 10 मिनट आगे करने के लिए बोला था कि घड़ी को 10 मिनट फास्ट कर दो, वो सीधे सीधे आधा घंटा फास्ट कर दिए, और फिर सोचते हैं जाने दो जाने दो, कौन उतारे। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ स्पेशल रात की वाली, और इधर मलाई रखी हूँ तो देख ही नहीं रहा, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। चाय बना के चाय दूंगी इन लोग को, मनोज तिवारी को दूंगी, मैं पीऊँगी, उसके बाद पराठे सेकूंगी, बर्तन थोड़े बहुत हैं वो धोऊंगी, फिर वीडियो एडिट करूँगी। राधे 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 श्री राधे। चाय गरम लो, चाय बन गई मेरी। हाँ माँ, आप ही आपका प्लान है, ज्यादा लाइव नहीं करें, उठा लो। ये क्या कप भी अलग से देख के ले लिए क्या? हाँ भारी वाली देख रहे, हम सबसे कम वाली लेंगे, जाओ तू ले वो मिट्टी, इसको हम पिएगा। तो बन रहे हैं आप सबके पसंदीदा आलू के पराठे, पापा को उतना नहीं पसंद है लेकिन मुझे और भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। भैया को ठंडा पसंद है, मुझे गर्म पसंद है, जो चीज़ मुझे जैसे क्या है कि भाई बहन में अक्सर ऐसा होता है कि उल्टी चीज़ें पसंद होती है, मुझे ये पसंद है, भैया को उसका उल्टा पसंद है। मस्त, मुझे गर्म गर्म आलू का पराठा अच्छा लगता है, भैया को ठंडा ठंडा। अभी रात के बजे 10:30 नहीं 10:11 बजे किसी के साथ मैं एंड करूंगी पराठे के साथ, इसके बाद मैं एक बार अपनी थाली दिखाऊंगी आप लोगों को, उसके बाद एंड होगा। सब लोग चटनी से पराठा खाते हैं हमारे घर में, दही से खाते हैं, अचार से खाते हैं। चटनी से हम लोग की बचपन से आदत ही रही है, जैसे गांव में जब जाते तो चटनी बनती है, वो अच्छा लगता है कभी कभी खाने में, लेकिन वैसे ऐसे दही से मज़ा आता है। उसमें भी अगर डेयरी वाली मिल जाए तो मज़ा आता है, लेकिन भैया डेयरी वाली लाता नहीं है, बहुत तेज़ है, भैया को डेयरी वाली नहीं पसंद, मुझे डेयरी वाली पसंद है। बंद कर दो अपना पराठा। तो ये है मेरा रात का खाना, आलू का पराठा है बिल्कुल मस्त गरम गरम, दही है और ये अचार है। ये अचार है नानी के यहाँ का अचार है, नानी ने बनाया है, बहुत मस्त टेस्टी है, बड़ा से खट्टा मीठा वाला अचार है। अब मैं मस्त ही अपना खाना खाऊंगी रात का, और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टाटा राधे राधे।